बात करते हैं अयोध्या की, जहां तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अयोध्या पहुंचकर हनुमान गढ़ी व राम जन्मभूमि दर्शन पूजन किया है। इस दौरान अयोध्या में बने मद्रासी मंदिर से निकाली गई श्री राम रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में आए तेलंगाना के लोगों के साथ शामिल हुई है और कहा है कि आज रामलला का दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि कुछ तमिल भाषी लोगों के धार्मिक आयोजन में भाग लेने पहुंची थी, इसके साथ पिछले 60 वर्षों से जुड़े हुए हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकली हैं। पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा है हनुमान गढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन और पूजन कर रही हैं और सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हैं कि उन्हें यह मौका मिला है, इससे वह बहुत खुश हैं। उन्होंने भगवान से कोरोना के समापन के लिए आशीर्वाद मांगा है, सभी लोग सुरक्षित रहें और कोरोना समाप्त हो। दरअसल अयोध्या में स्थित मद्रास मंदिर पर मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहे वार्षिक उत्सव के तौर पर धार्मिक आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हैं और अपने पूजा पद्धति के अनुसार भगवान का अभिषेक, भगवान को रथ पर सवार करके पूरे नगर का भ्रमण इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। मद्रास मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी आई थी। ब्रा 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। The society which is serving the country, they are very good in trade, patriotism, and they have served the country for quite a long time, and they are serving, they are all religious, they respect the religious sentiment of this country, and they are much cultured, they respect the culture of the country, and I am very happy to attend the chariot festival. This chariot is done within 63 days at Tamil Nadu. And after 60 years, this chariot is going to run in the streets of Ayodhya, and I'm really very happy. This will be a message. Then I pray God that people should be free of corona, and particularly at Ayodhya, attending this program, I'm very happy. Thank you. Ma'am, Ramlala temple construction. Yeah, we are going to pray there. I'm going to pray there.